أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم मैं मोहम्मद खुर्शीद अनवर निदानी उस्ताद दारुल उलूम गरीब नवाज मिर्दा गालिब रोड इलाहाबाद प्रयागराज। मैं फन्ने मंतिक की किताब जवाहिरुल मंतिक का दर्स देने जा रहा हूँ। तालाबा सुने और जहन में महफूज रखने की कोशिश करें। आज का सबक कुल्लियाते खमसा की बहस है। कुल्ली की पांच किस्में हैं। कुल्ली की पांच किस्में ये है, नाओ, जींस, फसल, खासा, अर्ज आम। इसलिए कि कुल्ली या अपने अफराद की हकीकत का आयन होगी तो वो नौ है, या अपने अफराद की हकीकत का जुज होगी तो दो हाल से खाली नहीं। या तो वो कुल्ली तमामी मुश्तरक होगी तो वो जिन्स है, या तमाम मुश्तरक ना होगी तो वो फसल है, या अपने अफराद की हकीकत से खारिज होगी तो दो हाल से खाली नहीं। या तो सिर्फ माहियत, सिर्फ माहियत वाहिदा के अफराद पर बोली जाएगी तो वो खासा है, या चंद माहियतों के अफराद पर बोली जाएगी तो वो अर्ज आम है। अब मैं आपको कुल्लियाते खमसा की तारीफें और मिसालें बयान करने आपके पास कुल्लियाते खमसा की तारीफें और मिसालें बयान करने जा रहे हैं। आप बहुत सुनिए। नौ वो कुल्ली है जो कसीरीन मुत्तफिकीन बिल हकायक पर मा होवा के जवाब में बोली जाए। जैसे इंसान चुनांचे जब जू पूछा जाए कि जायदुन बकरुन खालिदुन माहुम तो जवाब होगा इंसान। जिन्स वो कुल्ली है जो कसीरीन मुख्तलिफीन बिलहकायक पर मा हुआ के जवाब में बोली जाए। जैसे हैवान जिसमें नामी जिसमें मुतलक
जौहर। चुनांचे अल इंसानो वल फर्शो वल हिमारो माहिया के जवाब में हैवानुल बोला जाता है, और यूं ही अल इंसानो व शजर व माहुमा के जवाब में जिस्मुन नामिन और अल इंसानो वल हजरो माहुमा के जवाब में जिस्मुन मुतलकुन और अल इंसानो व रूहो माहुमा के जवाब में जौहर बोला जाता है। आपके जहन में ये बात महफूज रहे कि एक माहियत के लिए मुतअद्दिद जिनसे होती है। चुनांचे आप देखिए कि इंसान की जिन्स हैवान भी है, और जिसमें नामी जिसमें मुतलक और जौहर भी। पहले आपको ये बताया जा चुका है कि हैवान जिसमें नामी से खास है, यूं ही जिसमें नामी जिसमें मुतलक से और जिसमें मुतलक जौहर से खास है, और खास नीचे होता है और आम ऊपर। तो जब किसी माहियत के लिए मुतअद्दिद जिन्सें हों तो उनमें जो जिन्स सबसे नीचे हो वो उस माहियत की जिन्से करीब है, और जिनसे करीब से ऊपर वाली जिन्स उस माहियत की जिनसे बाईद है। मसलन इंसान की जिनसे करीब हैवान है, क्योंकि इंसान के तमाम जिन्सों में हैवान सबसे नीचे और सबसे खास है। फिर इंसान की जिस्म बाईद जिसमें नामी है, इसलिए कि जिसमें नामी हैवान से ऊपर और आम है, और जब इंसान के लिए जिसमें नामी जिनसे बईद है तो उसके लिए जिसमें मुतलक बदरजे औला जिनसे बईद होगा, क्योंकि वो जिसमें नामी से ऊपर है, और यूं ही इंसान के लिए जौहर भी जिनसे बईद है क्योंकि वो जिसमें मुतलक से ऊपर है। अब इंशाल्लाह कल से जिनसे करीब और जिनसे बईद की तारीफ और उस पर गुफ्तगू होगी, जो आपके जहन में बैठाने की मैं कोशिश करूँगा। वतम्मिम बिलखैर, आप सबक पढ़ने के बाद अपने सबक का बार बार इयादा करें और ज़हन में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद खुर्शीद अनवर निज़ामी उस्ताद दारुल उलूम गरीब नवाज मिर्ज़ा गालिब रोड इलाहाबाद प्रयागराज, मैं फन मंतिक की मोतबर किताब कुदूरी का दर्स देने फन मंतिक की मोतबर किताब जवाहिरुल मंतिक का दर्स देने जा रहा हूँ। तालाबा बगौर सुने और जहन में महफूज रखने की कोशिश करें। आज का सबक चंद बसीत और मुकरकब की कुलियों का बयान है, जिसको मैं सवालो जवाब के तौर पर आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आप लोग ध्यान से सुने।
जौहर बसीत है या मुरक्कब? जवाब यूं दिया जाएगा कि जौहर बसीत है। जिस्म बसीत है या मुरक्कब, तो आप इसका यूं जवाब देंगे कि जिस्म मुरक्कब है और उसके अज्ज़ाए ज़हनिया ये हैं, जौहर काबिले आबाद सलासा। किसी ने सवाल किया काबिले आबाद सलासा मुरक्कब है या बसीत, तो आप क्या जवाब देंगे? आप यूं जवाब देंगे कि काबिले आबाद सलासा बसीत है। जिसमें ना भी बसीत है या मुरक्कब, बर तकदीर सानी उसकी अज़ाए अक़लियत क्या है बताइए। इसका जवाब यह है कि जिसमें नामी मुरक्कब है और उसके अज़ाए ज़हनिया ये हैं, जौहर काबिले आबाद सलासा और नामी। हैवान मुरक्कब है या बसीत, बर तकदीर अव्वल उसके अज़ाए बसीता क्या हैं आप बताइए। तो आप यूं जवाब दीजिए कि हैवान मुरक्कब है और उसके अज़ाए बसीता ये हैं, जौहर है, काबिले आबाद सलासा है, नामी है, हसास है, मुतहरिक बिल इरादा है। हैवान के अज़ाए जमाली क्या है अगर किसी ने आपसे पूछा, तो आप क्या बताएंगे? आप ये बताएंगे कि हैवान के अज़ाए जमाली ये हैं, जिसमें नामी, हसास, मुतहरिक बिल इरादा। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया नामी मुरक्कब है या बसीत, तो आप जवाब देंगे नामी बसीत है। इंसान के अज़ाए इजमाली कितने हैं? अगर किसी ने आपसे पूछ लिया तो उसका जवाब आप यूं दीजिए कि इंसान के अज़ाए इजमाली दो हैं, हैवान नातिक। इंसान के अज़ाए बसीता कितने हैं? इसका जवाब ये होगा कि इंसान के अज़ाए बसीता छः हैं। नंबर एक जौहर है, नंबर दो काबिले आबाद सलासा हैं, नंबर तीन नामी हैं, नंबर चार हसास है, नंबर पाँच मुतहरिक बिल इरादा है, नंबर छः नातिक है। फर्श के अज़ाए बसीता कितने हैं? तो जवाब यूं दिया जाएगा कि फर्श के अज़ाए बसीता छः हैं, जौहर काबिले आबाद सलासा, नामी, हसास, मुतहरिक बिल इरादा, साहिल। अगर किसी ने आपसे सवाल कर लिया कि हसास, मुतहरिक बिल इरादा, नातिक, साहिल, नाहिक, नाबे, मुफ्तलिस, इन कुल्लियों में कौन बसीत है और कौन मुरक्कब है, तो जवाब ये दिया जाएगा कि ये सब कुल्लियां बसीत हैं, उनमें कोई कुल्ली मुरक्कब नहीं है,
नफ़्से नात का मुरक्कब है या बसीत, किसी ने आपसे पूछा तो उसका जवाब आप यूं दीजिए कि नफ़्से नात का मुरक्कब है, उसके अज़ाए बसीता ये हैं, जौहर मुजर्रद अनिल बुद मुदब्बिर बदन। तालाबाद से गुजारिश है, इस सवाल और जवाब को आप अपने जहन में बहुत अच्छी तरह महफूज कर लें ताकि आप जब भी इस तरह से सवाल किए जाए तो जवाब देने में झिझक महसूस न हो। वतमीन बिलखैर और सबक का यादा भी बार बार करें और सबक याद करने की कोशिश करें और जहन में महफूज रखें। फ़कत वसलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद खुर्शीद अनवर निज़ामी उस्ताद दारुल उलूम गरीब नवाज मिर्ज़ा गालिब रोड इलाहाबाद प्रयागराज। मैं पन्ने मंतिक की किताब जवाहिरुल मंतिक का दर्स देने जा रहा हूं। तलबा बगौर समाज करें, और सबक को बगौर सुने, और इबारत खानी की तरफ भी ध्यान दें। कल मैंने 9 और जिन्स की तारीफ और उसकी तशरीह और मैंने वजाहत की थी। आज जिनसे करीब की दो किस्म है, जिनसे करीब और जिनसे बईद, उस पर गुफ्तगू होगी और आपको जहन में मुस्तहजर करने की कोशिश करूंगा। ताकि आप इस जहन नशी कर लें। जिनसे करीब की तारीफ यह है कि जिनसे करीब किसी बाहियत की, जिनसे करीब वो जिन्स है कि उसके जिस फर्द को भी उस माहियत के साथ मिलाकर बदर जाए माँ होमा सवाल किया जाए तो जवाब में वो जिन्स बोली जाए। जैसे इंसान की जिनसे करीब हैवान है, क्योंकि हैवान के जिन जिस फर्द को इंसान के साथ मिलाकर जरियाए माहुमा सवाल किया जाए तो जवाब में हैवान ही वाक होगा। मसलन अल इंसानो वल फर्सो माहुमा, तो जवाब होगा हैवान। अल इंसानो वल हिमारो माहुमा, जवाब होगा हैवान। अल इंसानो वला सादो माहुमा, तो जवाब होगा हैवान।
अल इंसानो वल बगलो माहुमा, तो जवाब होगा हैवान। अल इंसानो वल बकरो माहुमा, तो जवाब होगा हैवान। तो इन सब सवालों के जवाब में हैवान ही आया, इसको जिनसे करीब कहते हैं, जिनसे बाइद किसी माहियत की, जिनसे बाइद वो जिन्स है जिसके अफराद को जब उस माहियत के साथ मिलाकर बदल जाए माहोमा सवाल किया जाए, तो जवाब में जिन्स वाक़ होगा। और जब बात दूसरे अफराद को उस माहियत के साथ मिलाकर बदरियाए माहुमा सवाल किया जाए, तो वो जिन्स जवाब में न बोली जाए बल्कि कोई दूसरी जिन्स जवाब में आए, मसलन इंसान की जिन्स बईद जिसमें नामी है, क्योंकि जिसमें नामी के अफराद में कुछ ऐसे फर्द हैं कि जब उनको इंसान के साथ मिलाकर बदरियाए माहुमा सवाल किया जाए, तो जवाब में जिसमें नामी आएगा। और बाज ऐसे फर्द हैं कि जब उनको इंसान के साथ मिलाकर जरियाए माहुमा सवाल किया जाए, तो जवाब में जिसमें नामी वाकई न होगा। चुनांचे जब यूं सवाल किया जाए अल इंसानो वन नखलो माहुमा, तो जवाब आएगा जिसमें नामी। तो अल इंसानो वल जामुनो माहुमा, जवाब होगा जिसमें नामी। अल इंसानो वल आराको माहुमा, तो सबका जवाब जिसमें नामी होगा। और जब यूं सवाल किया जाए कि अल इंसानो वल हिमारो माहुमा, तो जिसमें नामी नहीं बल्कि हैवान आएगा। अल इंसानो वल कल्बो माहुमा, इसमें भी जिसमें नामी नहीं आएगा बल्कि हैवान आएगा। हालांकि नखल आराक जामुन की तरह हिमारो कल्ब भी जिसमें नामी के अफराद में दाखिल हैं। आप तमामी तलबा इस सबक को बार बार पढ़ें और जहन में महफूज कर लें, इंशाल्लाह कल के सबक में नौए राफी के बयान को बयान किया जाएगा और आपको समझाने की कोशिश की जाएगी, ताकि आप नौए हकीकी की तरह नौए इजाफी को भी अच्छी तरह समझ लें और नौए हकीकी और नौए इजाफी में जो फर्क है वो आप पर आया हो जाए। लिहाजा बार बार सबक का यादा करें। वतम्मिम बिल खैर, सबक में गौर व फिक्र करके पढ़ें ताकि सबक का मफहूम भी